हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आज मैं आ चुकी हूँ अब सबके लिए और एक नई दमदार मूवी लेकर। इस मूवी का नाम है द क्रिएटर। ये मूवी न्यूली रिलीज्ड एक साइफाई है। ये मूवी ऐसी है जो आपको आपके हर दिनों के काम के बारे में सोचने को मजबूर कर देगी। ये मूवी साइफाई होने के साथ साथ बहुत ही इमोशनल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक देते हैं जिससे कि आपको ये मूवी समझने में और ज्यादा आसानी होगी। मूवी में बेसिकली 2065 साल का यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और न्यू एशिया का एक कंट्रोवर्सी दिखाया जाता है। एक बार लॉस एंजलिस में किसी कारण से एक विस्फोरण होता है जिसके बाद से अमेरिका को ऐसा लगता है कि एआई ने ही ऐसा किया है, और इसी का बदला लेने के लिए वो लोग भी काउंटर अटैक करते हैं और एक जंग छिड़ जाती है। ईस्ट एशिया के ज्यादातर लोग ही एआई के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशन में हैं, यानी एआई उनको बहुत हेल्प करता है, उनके डेली कामों में जीने के लिए मदद करता है, और अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए ये ईस्ट एशिया हो गया उन लोगों का एकदम से टारगेट। मूवी बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है। अब इन सब चीज़ों को दिमाग पे रखते हुए चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरू होते ही हम माया और जोशुआ को देखते हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, और माया अपना पहला चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही है जोशुआ के साथ। उन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि वो लोग एक परफेक्ट कपल है, एक दोनों से प्यार करते हैं और बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तभी अचानक से माया के विलेज में एक अटैक हो जाता है। अब माया एआई के साथ ही बड़ी हुई है, वो थी एशियन और जोशुआ अमेरिकन, जो कि एक्चुअली में एक अंडरकवर एजेंट था, और वो माया के साथ इसीलिए यहाँ पे था ताकि अपनी टीम को उनका ठिकाना दे सके। जोशुआ जब अटैक होता है तो माया को उसके साथ जाने के लिए कहता है, पर माया उन लोगों को छोड़ के नहीं जाती है और बाहर निकल जाती है। ये देखकर जोशुआ भी उसके पीछे जाना चाहता है क्योंकि असल में वो भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जोशुआ के बाकी टीममेट्स उसको जाने नहीं देते हैं और उसको पकड़ के बाहर लेके आते हैं, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्लास्ट होती है जिससे की पूरी आइलैंड खत्म हो जाती है। वहाँ पे रहने वाला कोई भी नहीं बचता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, हमें फ्यूचर में 5 साल आगे दिखाया जाता है। यहाँ हम जोशुआ को देखते हैं जो नींद से उठता है और बहुत ही मायूस सा दिखता है। उसको हर रात यही चीज तंग करती थी कि उसकी वजह से ही शायद उसका बीवी और बच्चा मर गया था, किसी वजह से उसका एक हाथ भी नहीं रहा। हम उसको देखते हैं कि अभी वो ग्राउंड जीरो पे सफाई का काम करता है, यानी पुराने या जंग में मारे गए एआईज को वो क्लीन करता है। जो जिंदा रहते हैं उनको मार के उनको कंप्रेस कर दिया जाता है ताकि वो किसी तरह से भी बच ना पाए। इनसे पता चलता है कि अमेरिका एआई से कितना नफरत करता था और वो अपने लोगों को भी वैसे ही मैनिपुलेट करना चाहता था। यूएसए मिलिट्री, जो कि अभी एआई को मारना ही अपना मकसद समझती है, उनके जनरल ड्र्यू और कॉलोनल हॉवेल इस मिशन को लीड कर रहे थे। वो लोग जोशुआ को अपनी टीम में लेने की बात करते हैं। अब वो लोग जोशुआ को ही क्यों अपनी टीम में ले रहे थे, इसकी एक ही वजह थी, क्योंकि जोशुआ अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, और कॉलोनल हॉवेल जाके उससे ये कहता है कि तुम्हारी बीवी अभी भी जिंदा है और वो लोग एआई के साथ ही है, तो अगर तुम हमारे साथ इस मिशन पे चलते हो तो तुम अपनी बीवी से मिल सकते हो। अब उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर ये बात जोशुआ को बता दिया गया कि उसकी बीवी से उसका मिलने का चांस है, तो वो किसी भी तरह से उन लोगों को ढूंढ निकालेगा जिससे कि मिलिट्री को उनके बेस तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह वो लोग जोशुआ को मैनिपुलेट करके उन लोगों के टीम में ले लेते हैं और मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब इस मिशन में जोशुआ को ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि उसको एक वेपन को डिसमेंटल करना है। ये वेपन कहाँ है और क्या है ये हमें कुछ ही देर में पता चलेगी। यूएस मिलिट्री को बस इतना पता है कि ये जो वेपन है ये उनके नुमाद यानी कि उनकी मिलिट्री बेस को खत्म कर सकती है, वो भी कुछ ही मिनटों में। इसीलिए इस वेपन को खत्म करना उनके लिए बहुत जरूरी है। ये सब बातें कॉलोनल हॉवेल प्लेन में जाते वक्त अपने बाकी साथियों को बता रही थी, लेकिन जोशुआ इन सब बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। इसीलिए कॉलोनल हॉवेल उसको ट्रिगर करने के लिए एक होलोग्राम पिक्चर दिखाते हैं।
उसमें जोशुआ ये देखता है कि माया उस हमले वाले दिन कहीं रिमोट एरिया में छुप गई थी, जिसका मतलब ये होता है कि शायद माया अभी भी जिंदा है। कुछ देर के बाद वो लोग वो आइलैंड में पहुंच जाते हैं जहां की हो सकता है वो लोग वेपन को छुपा कर रखे हैं। प्लेन से उतरने के बाद वो सब वहां पे रहने वाले लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो लोग उन लोगों को मारने भी लगते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि उस उन साइंटिस्ट के बेस में कैसे जा सकते हैं। इन सब के बीच जोशुआ वहां पर रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा हिला देता है, जिससे कि एक दरवाजा खुलने लगता है और यही होता है उस बेस में जाने के लिए एक पैथवे। अब वो लोग टीम में डिवाइड होकर अंदर चले जाते हैं, कुछ लोग बाहर रह जाते हैं ताकि कोई आए तो वो लोग उनको सावधान कर सके और बाकी के सारे मेंबर्स जोशुआ के साथ अंदर चले जाते हैं ताकि वो वेपन को बंद कर सके। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं वो लोग जल्द से जल्द वेपन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी उनको ये वेपन नहीं मिलता है। कुछ समय बाद उन लोगों को ये रियलाइज होता है कि ये वेपन कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक्चुअली में एआई का ही एक क्रिएशन है और वो खुद भी एक कंप्यूटराइज्ड एआई बॉट है। जोशुआ जब पहली बार उसको देखता है तो उसको बहुत ही अजीब लगता है, उसको एक अजीब सी कनेक्शन फील होती है उस बच्ची के साथ। वो पहली बार उस बच्ची को देखते ही उसे माया की खबर पूछती है, लेकिन वो बच्ची कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप अपना कार्टून शो एंजॉय करती है जैसे कि वो पहले भी कर रही थी। फिर जोशुआ को ये देख के थोड़ा सा गुस्सा आया और वो जाके टीवी का स्विच बंद कर दिया। तब इस बच्चे ने फिर से टीवी चालू कर लिया, वो भी टीवी को बिना छुए, जो देखकर जोशुआ को थोड़ा कंफ्यूज्ड फील हुआ। इसलिए जोशुआ फिर से जाकर टीवी का स्विच बंद कर देता है और वो बच्ची फिर से चला लेता है। ये देखकर जोशुआ ने प्लग ही निकाल दिया, पर फिर भी उस बच्ची ने उस टीवी को कंट्रोल कर ही लिया। ऐसे वक्त पे ही वहाँ पे एआई मिलिट्री आ जाते हैं और जोशुआ पर अटैक कर देते हैं और तभी और एक साइंटिस्ट वहाँ आकर उन सबको घायल कर देती है और बच्ची को वहाँ से भागने के लिए कहती है। उधर बाहर झमेला चल रहा था क्योंकि एआई मिलिट्री वहाँ पर आ गई थी और यूएसए उसके साथ लड़ रहा होता है। इस लड़ाई में जोशुआ के सारे साथी मारे जाते हैं, बस कुछ ही बच जाते हैं जो कि वहाँ से भागने वाले होते हैं, पर वो लोग जोशुआ के लिए रुकते नहीं हैं। जोशुआ नीचे फंसा रहता है। उधर कॉलोनल हॉवेल भी नीचे ही रह गई थी, वो भी वो स्पेसशिप पकड़ नहीं पाई थी। जंग खत्म होने के बाद वो लोग एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जोशुआ थोड़ा घायल था, वहीं पर वो बच्चा आ जाता है। वो आके जोशुआ के साथ बात करता है और वहाँ पर भी टीवी चलाकर बैठ जाता है। जोशुआ ये देखकर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका लैंग्वेज कुछ समझ नहीं पाता है। फिर वो देखता है कि एशियन मिलिट्री अभी भी वहाँ पर है और वो लोग इस बच्चे को ढूंढ रहे हैं और जोशुआ को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस बच्चे को उसकी वाइफ की एड्रेस ज़रूर पता है, क्योंकि जब उसने उसका पिक्चर दिखाया था तो ये उसको मदर बोल के बुलाई थी। अब जोशुआ इस बच्ची को लेकर भागने की कोशिश करता है। वहाँ पे एक गाड़ी रहता है जिस पर वो उस बच्ची को लेकर बैठ जाता है। गाड़ी पहले तो स्टार्ट नहीं होती है, फिर बच्ची कुछ करती है जिससे ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते जोशुआ और एल्फी यानी यही वेपन यही बच्ची जिसका कॉलर पे उसका नाम लिखा हुआ था, इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में धीरे धीरे जानने लगे थे। जोशुआ को एक लास्ट बार माया यानी उसके बीवी से मिलना था और इस बच्ची यानी एल्फी को अपने आप से आज़ादी चाहिए थी, इस जंग से छुटकारा चाहिए था। जोशुआ एल्फी को अपने एक पुराने दोस्त ड्रू के घर में लेके जाता है जो कि एक्चुअली में एक रिसर्चर है। रास्ते में जाते वक्त एक टोल बूथ पड़ता है और वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जोशुआ से पूछताछ करते हैं और वो लोग उस बच्चे को देखकर उसको उसका हैट खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा बिना करते हुए वो लोग कुछ वहाँ से भाग जाते हैं, जिसमें एल्फी उसका बहुत मदद करता है। वो सारे इलाके का पावर ऑफ कर देता है और वहाँ से जोशुआ का कार सिर्फ चालू करके निकल पड़ता है। वहाँ से सीधा वो लोग ड्रू के घर ही आते हैं। ड्रू कुछ देर इस बच्चे को एग्जामिन करने के बाद जोशुआ को बताता है कि ये
एक्चुअली एक कंप्यूटराइज्ड बॉट है और इसको किसी साधारण एआई जैसा नहीं बनाया गया है, इसको एकदम अलग बनाया गया है ताकि ये उसकी प्रजाति को बचा सके। इसके पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये और बड़ा होता जाएगा इसका पावर्स भी बढ़ता जाएगा। ये कहीं से भी एक इलाका का पावर कंट्रोल कर सकता है, जिसके डेमोंस्ट्रेशंस हम पहले ही देख चुके हैं। जोशुआ अब ड्रू से ये पूछता है कि वो माया तक कैसे पहुंचेगा। ड्रू उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि यूएसए बस उसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो लोग बेस तक पहुंच सके, पर जोशुआ कहता है कि वो यूएस आर्मी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, उसको बस माया से एक बार मिलना है। ऐसे वक्त पर न्यू एशिया के मिलिट्री वहां पर आ जाते हैं उस वेपन को ढूंढते हुए। उन लोगों का सामना सबसे पहले ड्रू का गर्लफ्रेंड करती है, लेकिन उसको वो लोग मार देते हैं और ये देखकर ड्रू बहुत ही टूट जाता है। जोशुआ ड्रू और बच्चे को वहां से लेकर भागना चाहता है, लेकिन ड्रू वहां से हिल भी नहीं रहा था, लेकिन जोशुआ किसी तरह उन दोनों को निकालकर कार में बैठकर वहां से निकल पड़ता है। अब वो लोग माया की रिंग को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ पहुँचते हैं। ये एक्चुअली जोशुआ का पुराना घर है। यहीं पर यूएस मिलिट्री फिर से उन पर हमला कर देती है, लेकिन जोशुआ किसी तरह वहाँ से बच के निकल जाता है, लेकिन ड्रू वहाँ पे मर जाता है। यहाँ से भाग के निकलने से भी उन लोगों का फायदा नहीं होता है। न्यू एशियन आर्मी किसी तरह जोशुआ तक पहुँच जाता है और उसको पकड़ लेता है। जब वो उसको लेकर शिप में से जा रही थी, तभी हरुण उसको ये बताता है कि माया उसके पापा के मरने के बाद नेक्स्ट निर्माता बन चुकी थी और एल्फी उन्हीं लोगों का एक क्रिएशन है। यानी जोशुआ और माया जिस चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे थे, एल्फी उसी का एक वर्जन है। और शायद यही वजह थी जिसके लिए जोशुआ जैसे ही पहली बार एल्फी को देखी थी वो उसके साथ कनेक्टेड फील कर रही थी। यहाँ पर हरुण उसको ये भी बताता है कि सिर्फ एल्फी ही है जो कि नोमाड को ख़त्म कर सकती है और इसीलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग जोशुआ को कैदी बना लेते हैं और वहाँ से उनके आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी उनको ये पता चलता है कि यूएसए आर्मी उनके आइलैंड पर हमला कर दिया है। कुछ लोग उन लोगों तक कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता है। यूएसए आर्मी वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है जिससे कि बहुत नुकसान होता है और बहुत लोग मारे भी जाते हैं। इसी डिस्ट्रक्शन का फ़ायदा उठाकर जोशुआ एल्फी से मदद लेकर खुद को छुड़ा लेता है और पानी में छलांग मार देता है। एक्चुअली वो बोट का पीछा करते करते आइलैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं, उन लोगों से छुपकर। जैसे ही वो लोग आइलैंड पहुंचते हैं तो ये दिखाया जाता है कि कितने सारे डेड बॉडीज वहां पर गिरे हैं और उनके परिवार के लोग उसके लिए रो रहे होते हैं। जोशुआ धीरे धीरे जाकर उसी हरून के घर के नीचे छुप जाता है ताकि रात होते ही वो एल्फी को लेके वहां से भाग सके। और जैसे ही रात होती है तो जोशुआ चुपके से उसके घर में घुसता है और क्योंकि हरुण एक एआई का बॉट था, वो जल्दी से उसको स्विच ऑफ कर देता है, जिसके वजह से हरुण और कुछ नहीं कर पाता है। और इसी मौके में वो एल्फी को लेकर वहां से भागने लगता है और तभी उन पर और एक हमला होता है। यूएसए मिलिट्री उन पर इस बार बहुत जबरदस्त हमला करती है और ये देखकर एल्फी वहाँ पर रुक नहीं पाती है। वो जोशुआ को पीछे छोड़कर उन लोगों को बचाने के लिए भागने लगती है। जोशुआ भी एल्फी को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन हमला होते होते बहुत कुछ हो जाता है। जब एल्फी उनके आइलैंड की तरफ फिर से भाग रही होती है, तभी वहाँ पे और एक बॉम्ब आता है जो कि एक्चुअली एआई ही निर्मित है और ये एल्फी को देखकर रुक जाता है। एल्फी उसके सर पर हाथ सहलाता है, जिसके बाद वो बॉम्ब बहुत शांत हो जाता है और वहाँ फटता नहीं है। जोशुआ एल्फी को बचाने के लिए वहाँ पे भागते हुए आता है, लेकिन उससे पहले यूएसए मिलिट्री का एक आदमी एल्फी को शूट कर देता है। जोशुआ जल्द से जल्द वहाँ पहुँचता है और उसको हरुण के हाथ में देता है और कहता है कि इसको बचाने के लिए कुछ भी करो, लेकिन उसको बचा लो। इसके बाद हरुण उसको लेकर उनके एकदम सीक्रेट बेस पे जाते हैं जहाँ पर की निर्माता भी रहती थी। इसके बाद जोशुआ धीरे धीरे उन लोगों का ट्रस्ट गेन करता है, जिसके बाद उसको भी उसी जगह पर लिया जाता है जहाँ वो एल्फी से मिल पाए। फाइनली जब वो वहाँ पहुँचता है उस टेंपल पे, तो कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क उसको ये कहते हैं कि माया इन 5 सालों में जिंदा तो थी, लेकिन वो कोमा में थी। उसका हालत ऐसा है कि अभी उसको सिर्फ दर्द महसूस होता है, लेकिन
वो हिलडुल कुछ भी नहीं पाती है। उसके लिए अभी मुक्ति सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज है। वो लोग ये कर नहीं पाए क्योंकि वो कभी अपने निर्माता को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वो जोशुआ को बोलते हैं कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर दो, इससे उसको ज्यादा शांति मिलेगी। जोशुआ ये सुनकर बहुत टूट जाता है। वो जाके माया के बॉडी के पास रोने लगता है और कुछ देर में वो माया के प्लग को अनप्लग कर देता है जिससे कि उसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा। तभी वहाँ पर एल्फी भी आ जाती है और वो भी रोने लगती है। उसको भी बहुत दुख होता है कि उसकी मदर यानी निर्माता और इस दुनिया में नहीं रहेगी, लेकिन वो भी समझता है कि इसी से ज़्यादा अच्छा है और बार बार सॉरी कहते हुए जोशुआ वो प्लग अनप्लग कर देती है। अब इसी वक्त वहाँ पर कॉलोनल हॉवेल आ जाता है। वो जोशुआ पर एक गन पॉइंट करके उसको एल्फी को हैंडओवर करने के लिए कहता है और ये कहता है कि अगर अभी वो इन लोग का साथ दे तो वो लोग जोशुआ का कुछ नहीं करेंगे और जोशुआ एक हीरो बन जाएगा। लेकिन जोशुआ पहले मना कर देता है, लेकिन कोई उपाय ना देखकर वो फाइनली उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है ताकि वो एटलीस्ट एल्फी के साथ दे सके। और जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, वो एल्फी और जोशुआ को अलग अलग प्लेन में बिठाकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहां साइंटिस्ट लोग एल्फी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसके बारे में बहुत रिसर्च भी करते हैं, लेकिन किसी तरह से भी वो लोग एल्फी को डिसमेंटल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो हर चीज को दूर से ही कंट्रोल कर रही थी। इसीलिए वो लोग जोशुआ को बुलाते हैं क्योंकि उन सबको पता था कि वो लड़की जोशुआ को बहुत ट्रस्ट करती है और इसी ट्रस्ट के वजह से वो सिर्फ और सिर्फ जोशुआ को ही अपने पास जाने देगी और इसी का फायदा उठाकर जोशुआ उसको मार सकता है। लेकिन जोशुआ अपने बच्चे को कैसे मार सकता है क्योंकि अभी तो जोशुआ को भी पता था कि ये माया और उसकी एक निशानी है। जोशुआ पहले राजी नहीं होता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ तो चलता है, इसीलिए वो बंदूक लेकर अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्फी जोशुआ को देखकर बहुत खुश होती है और जोशुआ उसके पास जाके रोने लगता है और उसको कुछ बताता है। कुछ ही देर में जोशुआ वो बंदूक लेकर एल्फी को शूट कर देता है जिससे कि एल्फी बिल्कुल तरह से डिसमेंटल हो जाती है और ऐसा लगता है कि एल्फी की मौत हो चुकी है। अब बाहर आकर जोशुआ चीफ को ये बताता है कि वो एल्फी के साथ जाना चाहता है क्योंकि उसके लिए ये उसका फ्यूनरल होगा। अब चीफ अचानक से इस बात पर राजी हो जाता है और उसको उसके साथ जाने के लिए परमिशन दे देता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, जोशुआ एल्फी को फिर से स्टार्ट कर देता है। तभी हमको पता चलता है कि जोशुआ ने एल्फी को कभी डिसमेंटल किया ही नहीं था, उसने तो बस उसको स्टैंड बाई मोड पर रख दिया था। और तभी फ्लैशबैक में हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है कि कैसे जोशुआ ने एल्फी को कन्विंस कर लिया कि हम तुम्हें डिसमेंटल नहीं करेंगे, बस स्टैंड बाई में डालेंगे और तुमको इसको फेक करना पड़ेगा, जिससे कि एल्फी राजी हो जाती है। अब इन सब के बीच जैसे ही यूएसए के आर्मी उन लोगों को फिर से कैप्चर करने वाली थी, जोशुआ और एल्फी वहां से निकल पड़ते हैं। वो लोग भागते हुए एक स्पेस शटल तक पहुंचते हैं, लेकिन वो स्पेस शटल जाने से पहले वो लोग सिक्योरिटी को पास करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन लोगों को पास करने नहीं देती है। अब एल्फी ऐसे मौके पर किसी तरह से उस सिक्योरिटी को कंट्रोल कर लेता है और वो सिक्योरिटी पास करके बाहर आ जाता है। वो लोग जल्द से जल्द प्लेन में बैठ जाते हैं। यहाँ पर प्लेन के क्रू उनको ये बताते हैं कि किसी इमरजेंसी की वजह से उनको लॉस एंजलिस पे उतरना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही मौके पे एल्फी जाकर पूरे प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेती है और वो उसको नोमाड पर उतार देती है। अब यही एक मौका था जहां एल्फी इस बेस को खत्म कर सकता है और इस पूरी जंग को एक अंत दिला सकता है। जोशुआ और एल्फी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे और इसीलिए वो लोग अपने दिल और जान लगाकर इस काम को करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही स्पेस शटल नोमाड पर रुकती है, वहाँ के मिलिट्री के सारे आदमी स्पेसशिप के सामने आ जाते हैं ताकि वो लोग जोशुआ और एल्फी पर अटैक कर सके। लेकिन सबसे पहले तो सारे पैसेंजर्स उतर आते हैं, जिससे उन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि जोशुआ और एल्फी उनमें है या नहीं।
फिर वो लोग प्लेन के अंदर जाते हैं उन लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन वो किसी को देख नहीं पाते हैं। इसी हालत में जोशुआ और एल्फी बाहर निकल जाते हैं और एल्फी नोमाड के एकदम सेंटर पे जाने की कोशिश करता है। जाने से पहले जोशुआ ने उसको समझा दिया था कि आखिर तक कहाँ आना है और कैसे वो लोग इसको खत्म करके वहाँ से निकल जाएंगे। अब इसी दिन को नोमाड ने ईस्ट एशिया पे बहुत बड़ा हमला करने का प्लान भी किया था, जिसके लिए वो लोग बहुत सारे मिसाइल्स रेडी रखे थे। चीफ ये सब कांड देखते हुए जल्द से जल्द वो मिसाइल्स छोड़ने को कहते हैं, लेकिन तब तक जोशुआ उस मिसाइल्स तक पहुंच जाता है और सारे में एक डीएक्टिवेटिंग मशीन लगा देता है जिससे कि ये मिसाइल्स नहीं फटने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही मिसाइल्स चालू हो जाते हैं और एक दो मिसाइल्स छूट भी जाते हैं। जैसे ही जोशुआ वाला मिसाइल आता है जिससे कि जोशुआ का बहुत बुरा हाल होगा और शायद उसकी मौत भी हो जाए, तभी एल्फी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है और सारा पावर ऑफ कर देता है जिससे कि जोशुआ का मिसाइल रुक जाता है। लेकिन कुछ ही देर में पावर फिर से रिस्टार्ट होने लगता है, लेकिन जोशुआ किसी तरह वहां से बच जाता है और जल्द से जल्द नुमाज के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ एल्फी पूरा सिस्टम बंद करके वापस आ रहा था, लेकिन उसको आते वक्त माया के जैसे दिखने वाली बहुत सारी रोबोटिक्स मिलते हैं और वो एक रोबोट को वहां से लेकर उसमें एक चिप डालती है, जो चिप उन्होंने निर्माता के मरने के वक्त वहां से ले लिया था। एल्फी बार बार उसको उठने के लिए कहता है क्योंकि कुछ भी हो है तो एक्चुअली वो बच्चा ही और आखिर में निर्माता है उसकी माँ, इसीलिए वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ यूएसए के मिलिट्री के आदमी उन पर हमला करना शुरू करते हैं और सिचुएशन बहुत ही बिगड़ने वाली होती है कि आखिर तक एल्फी ने होप छोड़ दिया और जल्द से जल्द जोशुआ के पास पहुंचने का डिसीजन लिया। जोशुआ के पास पहुंचते ही वो लोग जल्द से जल्द एक दूसरा स्पेसशिप में बैठने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी नुमाड खत्म होने वाला था और उन लोगों को वहां से जल्द निकलना होगा वरना वो लोग भी मारे जाएंगे। इसीलिए वो जल्द से जल्द एक स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और उसको चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोशुआ स्पेसशिप के दूसरी तरफ बंद हो जाता है और वो मिलिट्री वालों से लड़ने लगता है और वो जाने से पहले एल्फी को ये बताता है कि उसको अभी बचना पड़ेगा क्योंकि अभी दुनिया की शांति उसी के हाथ में है और उसको इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना होगा। ये बोलकर वो एल्फी को वहाँ से छोड़ देता है जिससे कि एल्फी नीचे की तरफ जाने लगता है और वो सेफ तरीके से नीचे पहुँच जाता है। दूसरी तरफ जोशुआ वहाँ से बाहर आता है और आकर वो जैसे ही गार्डन से भागने की कोशिश करता है वो माया को देख पाता है और वो समझ जाता है कि यही माया का चिप लगा हुआ वही रोबोट है जिसका बात एल्फी कर रही थी। वो वहाँ पे जाती है और वो लोग एक लास्ट टाइम की तरह किस करते हैं जिसके साथ नुमाड पूरा पूरा ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ ख़त्म होती है ये कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, थी ना एकदम इमोशनल रोलर कोस्टर जैसी। आखिर तक ये हमको बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे AI हमारे ज़िंदगी की एक अनएविटेबल पार्ट है और हम अपने एरर को कैसे नज़रअंदाज करते हैं जब हम AI के साथ काम करते हैं। हमारी कोई भी गलती होती है टाइपिंग के टाइम तो हम ये कहते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक और उसको हम AI पर ही थोप देते हैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है, जैसे कि USA के मिलिट्री बेस के साथ हुआ। सिर्फ एक ब्लास्ट जो कि एक ह्यूमन एरर था, उन्होंने उनको AI एरर समझ लिया और इसके वजह से एक पूरी की पूरी जंग छिड़ गई और कितने मासूम लोग मारे गए। हम लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा फ्यूचर ऐसा ना हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नए नए मूवी के साथ मैं आ सकूँ आपको उसकी स्टोरी समझाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।